आज के गणतंत्र दिवस समारोह पर आए हुए सभी महानुभावों का राष्ट्रीय विचार मंच की तरफ से हम स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम मैं दो तीन स्लोगान बोलूँगा, आप सबको मेरे साथ में ज्वाइन करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद, वंदे मातरम वंदे मातरम। आज जहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये क्रांति उड़ीसा न्यूज सभागार में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए, इस गणतंत्र ये संविधान आज के दिन से हमारे भारत में 26 जनवरी से लागू हुआ था 1950 से। संविधान बनाने में संविधान निर्माताओं को प्रणेताओं को करीब 5 साल लगा। 5 सालों में सैकड़ों बैठकें हुई, 5 साल में सैकड़ों बैठकें। और उस समय के उस जमाने में जो लोग भारतवर्ष के बैरटलो थे, बड़े बड़े कानून विशारद थे, उन लोगों के मौजूदगी में पार्टिसिपेशन में संविधान सभा का गठन हुआ था और चर्चाएं हुई थी। उसमें मुख्य कार्यकर्ता थे, मुख्य कर्मी जिसको बोल सकते हैं, मुख्य निर्माणकर्ता वो थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर संविधान के, उसको इंग्लिश में भी हम लोग बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी बैरटलो थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जितने भारतवर्ष के जितने भी नामी गिरामी वकील थे, बैरटलो थे, सारे उसमें करीब करीब सारे उस कमेटी में थे। उड़ीसा से भी 8-10 लोग थे, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, नवकृष्ण चौधरी, राजकृष्ण बोस, उड़ीसा से भी थे 8-10। पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से लिया गया था, कोई राज्य से कोई ज़्यादा थे कोई कम थे, लेकिन उड़ीसा के भी 8-10 लोग थे। 1950 से हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी से। उसके बाद भारतवर्ष में गणतांत्रिक पद्धति से पहला चुनाव 1952 में हुआ लोकसभा का और राज्य और विधानसभाओं का। उसी के पश्चात अभी तक चुनाव होते आए हैं। 1947 से 1952 का जो पीरियड था, 5 साल का जो पीरियड था, वो था इंटरिम गवर्नमेंट। कोई भी व्यवस्था करने के लिए कुछ तो टेम्परेरी व्यवस्था करनी पड़ती है ना, इंटरिम गवर्नमेंट थी वो। और 1952 के चुनाव के बाद वो हुआ परमानेंट गवर्नमेंट की जो व्यवस्था अपने देश में, और लगातार फिर चुनाव होते आ रहे हैं। फिर पहली बार हमारे लोकसभा का बीच में चुनाव हो गया, पहली बार जिसको बोलते हैं मध्यावधि चुनाव, ऐसे कम से कम 3-4 बार हुआ है। इंटर बीच बीच में जो हो जाता है, कभी असेंबली भंग हो जाती है, कभी पार्लियामेंट भंग हो जाती है, तो उसको मध्यावधि चुनाव हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, मिड टर्म पोल इंग्लिश में बोलते हैं उसको। वो सब सारे सिस्टम अब हमारे देश में चलते आ रहे हैं अभी तक। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट एक बार बोले थे, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। मतलब लोगों के द्वारा जो सरकार चुनी जाए और लोग जिसे चुने शासन का भार दें लोगों के लिए, उसी को बोलते हैं गणतंत्र, डेमोक्रेसी। वो सिस्टम हमारे देश में 1952 से विधिवत चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, हमारे उड़ीसा में भी चल रही है। अच्छा, इसमें फिर 3-टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत नगरांचल के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, फिर असेंबली है, फिर पार्लियामेंट है। इस तरह हमारे यहाँ शासन की व्यवस्थाएँ चल रही है लगातार 1952 से। बड़े मतलब हम लोग सौभाग्यशाली हैं, विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश हमारा भारतवर्ष ही है। विश्व का, सारे विश्व में। दूसरी बात और है, ये जो अमेरिका के लोग बोलते हैं कि गणतांत्रिक देशों में भी दो तरह के सिस्टम है ज़्यादातर, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो अमेरिका में है, और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो भारत में है। भारत की जो शासन व्यवस्था है, जो चुनाव प्रक्रिया है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। मैं आपको एक छोटा सा बात बताऊं, ये जो ट्रंप महाशय, पागल ट्रंप, और उससे बड़ा पागल है ये जो अभी जो बाइडेन बैठा है, वो अगर उसके बगल में कोई आदमी भी नहीं बैठता तो भी वो हाथ दिखा देता है हाथ मिलाने के लिए। माला उसको किसी को पहनानी होती सामने तो वो पीछे से पहनाता है। सारे पागल लोग अमेरिका में जुटे हुए हैं आज के दिन, सारे पागल। और वो ट्रंप महाशय, ये लोग जो बड़ा बड़ा ज्ञान बखेरते हैं सारे दुनिया में,
हम लोग गणतंत्र का झंडा उठाए हुए, हम लोग सबको ज्ञान देते हैं। तुम्हारे तो ये ट्रंप पिछड़ गया था चुनाव में, चुनाव में पावर हस्तांतरण नहीं करेगा बोल के वो कैपिटल हिल्स जहां पर वो विराजमान था, हजारों के भीड़ को अपने गुंडों को बुला दिया था वहां पर कि यहां पर तुम लोग दखल में रहो, कोई हमसे जैसे पावर नहीं छीने। मानी ये सब सिस्टम अमेरिका में एक दो महीना से ही, मतलब वोटिंग जो है जैसा अपने भारत में होता ना, इलेक्शन का जो माहौल होता है और उस दिन छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है और सारे भारत में हम और ये जीतेगा वो जीतेगा इत्यादि सब स्लोगन होता है, वो सब कुछ नहीं। वहाँ पर एक महीना पहले से वोटिंग दे दो, तुम ऑफिस में जा रहे हो तुम्हारे वो छक्के ऊपर एक बक्सा पड़ी रहेगी, वहीं पर जाके वोट दे दो। तो मत से सारा कुछ वहाँ को कोई सिस्टमेटिक काम नहीं है और वो सारे दुनिया को ज्ञान देते हैं गणतंत्र के बारे में। और सारे विश्व में अभी इंग्लैंड है जो हम लोगों के ऊपर 200 साल शासन किया है, इंग्लैंड में थोड़ी गणतांत्रिक पद्धति से ठीक से काम होता है। वहाँ पर क्वींस, वो क्वीन मर गई, अभी दूसरा आ गया क्वीन, जो राजा आ गया उसी का बेटा प्रिंस चार्ल्स। जिस गणतांत्रिक देश में सबके ऊपर अगर कोई राजा या रानी या युवराज रहेगा वहाँ गणतंत्र क्या है? जापान में वही सिस्टम है, इंग्लैंड में वही सिस्टम है, देखा जाए पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में खाली जो चुनाव होता है ढकोसलाबाजी है। वहां पर ये जो इमरान खान जीता था इसका चुनाव चिन्ह क्या था मालूम है क्या? जीप, जीप जो हमारे देश में जो चलती है ना जीप, वो था उसका चुनाव चिन्ह। बूथ में वीडियो रिकॉर्डिंग होके हजार बार निकला है, बूथ में मिलिट्री वाला बंदूक ताने खड़ा है वोटर के सामने, जीप में मारो, वो क्या चुनाव है क्या? वहां मिलिट्री शासन है। तो हम लोग दोनों एक साथ में आजाद हुए, लेकिन पाकिस्तान में मिलिट्री शासन डायरेक्टली इनडायरेक्टली वही शासन चल रहा है। और यहाँ पर देखिए हजार कटुता है हमारे देश में, कांग्रेस में, बीजेपी में, दूसरे पार्टियों में, हजार एक दूसरे को गाली देते हैं, हजार कटुता है, लेकिन जो बंदा चुना गया जनता के द्वारा पावर हस्तांतरण करने में एक सेकंड की देरी नहीं लगती है, एक सेकंड की देरी नहीं, वो अपना जाके चुना इस्तीफा देते हैं गवर्नर के पास या राष्ट्रपति महोदय के पास, फिर राष्ट्रपति अपने विवेक से बुद्धि से जो जो पार्टी का मेजोरिटी होता है या लार्जर सिंगल पार्टी होती है उनको फिर वो चुनाव आमंत्रण करते हैं सरकार बनाने के लिए। कितना बढ़िया सिस्टम है, हम लोगों में आपस में रंजिश बहुत है पार्टी वालों में, पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन जैसा ही जब चुने गए चुनने के बाद कोई रंजिश नहीं है भाई। जो जिसको जो जीता वही सिकंदर, जिसको जनता जनार्दन बिठाई है वो जाकर सीट पर बैठे। और अपोजिशन वाले भी बहुत फक्र से बोलते हैं जनता ने हमको शासन करने का वोट नहीं दिया, मताधिकार हमको अपोजिशन में बैठने के लिए दिया है, इसलिए वो आराम से अपोजिशन में बैठते हैं और दूसरे वाले जिनको जनता चुनती है वो जाके शासन में बैठते हैं। इसी को बोलते हैं गणतंत्र, गणतांत्रिक पद्धति से चुनाव। और सारे विश्व में ठीक ढंग से चुनाव दो ही देश में होते हैं, एक है इंडिया, दूसरा इजराइल। इजराइल बाकी सब जगह बने घोटाला, भ्रष्टाचार, सब जगह फालतू। वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया एंड इजराइल। और वैसे बोला जाए तो मैं बहुत सारे बात बोल सकता हूँ, ज़्यादा अब समय नहीं लूँगा। हमारे बीच आदरणीय पदाजी खंडेलवाल भी उपस्थित है और उनके मार्गदर्शन से ही राष्ट्रीय विचार मंच का गठन हुआ है, उन्हीं के करकमलों द्वारा, जहाँ आप जिस सभागार में बैठे हैं क्रांति उड़ीसा न्यूज़ सभागार, वही उद्घाटन करता भी है, क्रांति उड़ीसा न्यूज चैनल का उद्घाटन करता भी वही है। बड़े भाई पदाजी खंडेलवाल आप लोगों के सामने बोलेंगे, मैं माइक पहले दे रहा हूँ विजय भाई को। धन्यवाद। मैं हमारे सचिव जी से अनुरोध करूँगा तो क्या वो दो सब आप बोल सकते हैं, से अनुरोध करूँगा तो क्या वो दो सब कहें। भारत माता की जय। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई हो। हमारा देश इसी प्रकार 74वां क्या 7400वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, ऐसी भावना मन में है कि वो देश को, हमारे देश को इतिहास देखें आप, हजारों हजार साल विदेशी आक्रमण आकर के हमारे देश को शासन किया, हम गुलाम रहे, उसका क्या कारण था, हमारे देश में क्या कमी थी, हम गुलाम रहे। आप सबको पता है ना हम लोग गुलाम थे हजारों वर्ष तक, ना किसी को पता नहीं है, आजकल के बच्चों को तो पता नहीं है। तो हम गुलाम थे, क्या कारण था, हमें क्या कमी थी, क्या धन की कमी थी,
धन की कमी थी हमारे देश में। अरे सोमनाथ को मंदिर को लूटा गया, कितना भर वो सोना हीरा भर भर के ले गया, खत्म नहीं हुआ। भारत को जो आते थे भारत में आक्रमण करने के लिए, वो क्यों आते थे? गरीब थामल के आते थे क्या? गरीब के घर कोई आता है क्या? भारत को सोना की चिड़िया जो बोलते हैं ना, वो एक वाकई में थी। लोगों के घरों में जो सोने के ढेर जो थी, सरफियाँ थी, वो ढेरी में लगी रहती थी, रखने के लिए तिजोरियाँ नहीं थी। इतनी लोगों के पास सोना चांदी था, वो अपने घर में ढेर बना के रखते थे, ऐसा अंग्रेजों ने कहा है। और जब अंग्रेज आए तो डेली 8 जहाज भर भर के सोना जाता था इंग्लैंड। तो जो यहाँ के जो वायसराय थे, लॉर्ड क्लाइव ने कहा कि जहाज और भेजो, बहुत सोना है यहाँ पर। बोला जहाज नहीं है हम लोग के पास, इतना सोना था हम लोग के पास, इतना धन था, फिर भी हम लोग गुलाम क्यों हुए? क्या ताकत की कमी थी? हमारे वीरों से तो इतिहास भरा पड़ा है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बुंदेलखंड हो, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, उड़ीसा हो, वीरों से इतिहास भरा पड़ा है। जो एक 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 योद्धा पूरे युद्ध के मैदान को खाली कर देते थे, एक एक योद्धा ऐसी शक्ति रखते थे। तो धन भी था, बल भी था, जन जन की कमी थी। अभी क्या जनसंख्या है? अभी तो एक परिवार में एक हस्बैंड, एक वाइफ, एक बच्चा, ये परिवार है। लेकिन पहले के ज़माने में एक एक माता पिता के 15-15 संतानें हुआ करती थी। और जिस जमाने की बात, जब हम लोग गुलाम हुए आज से हजारों साल पहले, तब तो परिवारवाद की इतनी थी कि भरा पड़ा था कि परिवार में 200-200 लोग हुआ करते थे। अने ऐसा था कि दादाजी पोता का नाम नहीं जानते थे, कितने पोते हैं मेरे, इतनी हम लोग का जन था। जन था, धन था, बल था, फिर भी हम लोग गुलाम क्यों रहे, ये जानने का विषय है। उसके लिए बताते हैं कि हम लोग में एकता नहीं थी, सिर्फ एकता नहीं थी हम लोग में। जब एक राजा एक योद्धा युद्ध करने के लिए हम लोग पर आक्रमण करता था, किसी एक देश पर, किसी एक टुकड़े पर, तो दूसरे वाले उसको देखा करते थे कि हाँ उसके यहाँ है, हमारे पास आने दो। जो प्रवृत्ति हमारे आज भी बनी हुई है, अरे पड़ोसी के घर में आग लगी है, मेरे घर में आने दो, तब देखेंगे। तो ये प्रवृत्ति को हम लोग को बदलना होगा, हमें एकता का भाव लाना होगा। और एकता का भाव कैसे आएगा? जब हम हमारे अतीत को जानेंगे। जो दूध का जला रहता है वो छाछ को फूंक के पीता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि दूध का मैं जला हुआ हूँ, दूध में कितने बार जले हुए हैं, लेकिन पता ही नहीं हमने दूध का जला हुआ हूँ, तो वो छाछ को क्या फूंक के पिएगा? तो क्यों ना, हमें पता नहीं है कि हम इतने गुलाम थे, क्यों थे ना, हमारे पास, हमारे अंदर एकता नहीं थी। ये भाव हम लोग के अंदर अभी भी नहीं है। आप लोग सब सोचना अपने अपने दिल में, ये भाव हम लोग के दिल में अभी भी नहीं है, और दिन पे दिन कम ही होती जा रही है। क्यों ना, बचपन में मैं देखता था हमारे माता पिता, उनके जो मित्रों में जो एकता थी, जो प्यार था, मोहब्बत था, वो आज की हम लोग की पीढ़ी में नहीं है। और हम लोग की पीढ़ी में जो कुछ है, वो आने वाले बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें जो इसके क्या कारण है, हमारा इकोनॉमिक उन्नति बहुत हो रहा है, हम लोग बहुत आगे हो रहे हैं, पंचम विश्व की लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर बन गए हैं, लेकिन हम लोग का आध्यात्मिक पतन हो रहा है, ऐतिहासिक ज्ञान का पतन हो रहा है। हम लोग अध्यात्मवाद में नहीं जाते हैं, हम लोग इतिहास को नहीं देखते हैं। तो मेरा, जैसे मैंने अभी कह के आया, एक इंस्पेक्टर स्कूल में गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए, ये 26 जनवरी का दिन था। उन्होंने बच्चों से पूछा कि 10 क्रांतिकारियों के नाम बताओ। तो बड़ी शर्म की बात है, एक भी बच्चा क्रांतिकारियों के नाम नहीं बता सका। आप पूछिए, हीरो के नाम पूछिए बच्चों से, फिल्मों के हीरो के नाम पूछिए, फटाफट बता देंगे। तो ये जो अब हम खुद ही नहीं जानते कौन क्रांतिकारी थे, क्या किसकी क्या भूमिका थी, किसने कितने खून की होली खेली, देश आज़ाद किया, हम ही नहीं जानते, तो बच्चों को क्या शिक्षित करेंगे? तो आज के दिन, इस 26 जनवरी के दिन, मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप शिक्षित होइए, इतिहास को जानिए, हमारे जो हीरो, रियल हीरो हैं हमारे देश के, उनके बारे में जानिए, और बच्चों को भी उसे अवगत करवाइए। इसी उद्देश्य से, इसी भावना के साथ हम लोगों ने राष्ट्रीय विचार मंच की स्थापना की थी कि बच्चों में देश भाव की भावना और सनातन धर्म की भावना कैसे पनपे। आजकल के बच्चे क्या हो गए हैं, जॉब सीकर हो गए हैं। जॉब अच्छा मिल जाए, 5 लाख रुपया का पैकेज मिल जाए महीने का, खुश है। और क्या विचार है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीना है सुख से जीवो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पीवेत, ऋण कर लो लेकिन सुख के सामग्री इकट्ठा करो। तो इससे
जीवन बनने वाला नहीं है, इससे जीवन का पतन हो जाएगा। तो आप लोगों से इस आज के दिन यही अपील करता हूँ कि आप भी शिक्षित होइए, बच्चों को भी शिक्षित कीजिए, तभी हम लोग का देश आगे बढ़ता है। एकता की भावना, देश प्रेम की भावना हमें पनक सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ बोले भारत माता की जय। श्रोता तालियां पुरुषोत्तम जी के लिए। मैं हमारे बीच अतिथियों का स्वागत करने के लिए सबसे पहले तो किशोर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आप आगे आए और हमारे आज के अतिथि धन्यवाद को दुपट्टा हुआ है उनका स्वागत करें। साल में कभी एक बार आता है, गणतंत्र दिवस भी है और सरस्वती पूजा भी, तो ये हम लोग को राष्ट्रीय उत्सव और धार्मिक उत्सव दोनों मनाने का हमको अच्छा मौका मिलता है। इस दिन हम लोग जब बच्चे में छोटे छोटे थे तो
सरस्वती पूजा के दिन पीले वस्त्रों का बड़ा महत्व था और पीले वस्त्र पहनते थे। हमें ध्यान है 90% लोग पीले वस्त्र में दिखाई देते थे, पूरा शहर पीला पीला दिखाई देता था। अभी समय का बदलाव हुआ, लोग अभी फैशन में चले गए, अपनी परंपराओं को मानने में थोड़ा सा उनको शर्म लगती है। उसके बावजूद भी अभी मैं देखता हूँ 50% लोग पीले वस्त्र पहने हुए हैं अपनी परंपराएं। ये मेरे को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, आप भी पीला पहने हुए हैं। तो अपनी कुछ परंपराएं हैं उनको हम लोग बरकरार रखें और आगे चलाएं। कलरों का हमारे जीवन में बहुत भारी महत्व है, इनका साइंटिफिक रीजन है, इसको बनाए रखें। अभी हम आते हैं राष्ट्रीय विचार मंच, इस संस्था का गठन हुआ। हमारे समाज में, मारवाड़ी समाज में कई संस्थाएं हैं और बहुत आनंद करते हैं सब लोग। धार्मिक संस्था हैं, मंदिर हैं, 2-3 मंदिर हैं और भी 3-4 मंदिर हैं और भी मेरे ख्याल से 10-15 संस्था हैं। लोग जुड़े हुए हैं, मनोरंजन करते हैं, नाच गाने करते हैं, खूब आनंद करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है अपने स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए मनोरंजन करना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मनोरंजन में अगर आप रह जाएं तो वो भी अच्छा नहीं है, आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे बनेगा, विचार नंदू जी के, हमारे जोशी जी दिमाग में आया कि राष्ट्रीय विचार से ओत प्रोत हम एक संस्था खड़ी करते हैं, तो जिसमें अपने विचार हम राष्ट्रीय विचार के विचार में डिस्कस करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बातें आएंगी और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव पैदा होगा। तो आपने देखा कि अभी जोशी जी ने आपको बहुत ही बड़े विद्वान हैं इस मामले में, देखा बहुत डिटेल में आपको वो गणतंत्र के बारे में इन्होंने बता दिया। तो बहुत सी चीज़ें शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, मेरे ख्याल से पहली बार सुनी होंगी, तो ये इसका फ़ायदा होता है। हमारे मोदी जी जब से बैठे हैं, मोदी जी बैठने के बाद में हम लोगों के अभी कुछ विचारों में काफ़ी बदलाव आया है। राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी विचार हुए हैं, राष्ट्रपति भावना जगी है, हिंदुत्व की भावना जगी है, हिंदुत्व के प्रति भावना जगी है, देश के प्रति प्यार जगा है, देश के प्रति भावना जगी है। और नहीं तो हमारे दिमाग में जो भर दिया जाता है उस हिसाब से हम सोचते हैं, उस हिसाब से चलते हैं। आज़ादी के बाद में हमारे दिमाग में ऐसा भर दिया गया था, उसी सोच पे हम लोग चल रहे थे और हमने कभी राष्ट्र समझा ही नहीं राष्ट्र क्या होता है। जब देश आज़ाद हुआ उसके टुकड़े हो गए, तब भी हमारे समझ में नहीं आया। आज़ादी के बाद में जिन लोगों ने टुकड़े करवाए उन लोगों को ही हम सत्ता में बैठाए रखे, हमको ज्ञान नहीं था। तो कुछ हमारी जो लीडरशिप आती है वो भी हम लोग को ज्ञान देती है, समझाती है, उसका बहुत भारी असर होता है। तो ये मोदी जी आने के बाद में बहुत बड़ा हमारे देश में बदलाव आया, राष्ट्रीय विचारधारा जागृत हुई और हमारे घर घर में बच्चे बच्चे सब लोग थोड़ा बहुत 2%, 10%, 50%, कुछ लोग 100% राष्ट्रवादी है, ऐसा हमारा एक बदलाव आया है। वो बदलाव आने से ही हमारी सत्ताएं चेंज हुई, हमारे सरकारों के कार्यशैली चेंज हुई और आप देखते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आया है। पुरानी बातें जब निकल के आती हैं, पुराने सत्ता में क्या क्या हुआ था, तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये सब हो रहा होता रहा और हम लोग को मालूम नहीं। तो ये सब बातें हमारे राष्ट्रीय विचार मंच में आपको ये समय समय पर, साल में 4-5 प्रोग्राम होंगे, तो आप लोग आते रहिए और लोगों को जोड़िए। हम लोग चलते हैं, शुरू में 2 आदमी जुड़ते हैं, चले थे अकेले, कारमा बनता गया। तो अभी शुरू में हम लोग के हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ में कम जुड़े हैं, कम लोग आएँ, लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों को इसकी महत्ता पता लगेगी और विचारधाराएँ चेंज होंगी तो वो लोग जुड़ेंगे और ये संस्था एक दिन काफ़ी लोगों को आकर्षित करेगी, ऐसा मेरा मानना है। हमारे
गणतंत्र दिवस के बारे में, 26 जनवरी के बारे में बहुत कुछ हमारे आदरणीय नंदू जोशी जी ने बता दिया था, लेकिन शॉर्ट में 4-5 पॉइंट मैं और फिर दोहरा देता हूँ। 26 जनवरी 2050 को गणतंत्र लागू हुआ था हमारे देश में। ये एक्चुअल भी गण मान हमारे जन हमारे पब्लिक को, हम लोग को गण बोलते हैं। तो ये सत्ता जो है उनके द्वारा चलाई जाए, उनको सत्ता हस्तांतरण हो, मतलब ये चलाएंगे बोल के गणतंत्र हुआ, संविधान बना। संविधान की जो लिखा गया है, संविधान की जो हमारी किताब है, संसार में सबसे मोटी किताब वो है। संसार में इतना बड़ा संविधान कहीं पे भी नहीं जितना बड़ा संविधान भारतवर्ष का है। ये अपने आप में एक हमारा बहुत बड़ा देश के लिए एक संविधान दिया है हमारे संविधान समिति ने, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो मेरा अपना आप सब लोग से यही अनुरोध रहेगा कि विचारों को सुन के इनका मनन करें, और मनन करके थोड़ा थोड़ा अपने परिवार में, अपने बच्चों में इसका थोड़ा बीज डालें। क्योंकि अभी आप देखते हैं हमारे जैसे लेटेस्ट में आप लोग मोबाइल खोलते होंगे, कोई भी ग्रुप खोलते होंगे, यूट्यूब खोलते होंगे, बागेश्वर बाबा भरे पड़े हैं, बागेश्वर बाबा भरे पड़े हैं, और उनका उनका बहुत बड़ा प्रभाव है और उनका बहुत बड़ा क्रिटिसाइज भी हो रहा है। नागपुर में उनके खिलाफ में FIR दर्ज की गई थी। तो जो व्यक्ति लाखों आदमियों को खींचता है अपने पास में, वो जहाँ जाते हैं लाखों लाखों आदमी दोनों साइड में खड़े होते हैं, उनका जब वो जहाँ पर वो अपना गद्दी लगती है, आप देखेंगे सामने पंडाल में आपको आदमी दिखाई नहीं देते हैं, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। तो जो आदमी लाखों आदमी को खींचता है वो वैसा साधारण आदमी नहीं है, कोई ना कोई उसके अंदर में शक्ति है कि वो लाखों आदमी को अपनी तरफ में खींचता है। तो ये हमारे हिंदू समाज में अगर कोई भी आदमी आता है, कोई शक्ति उसके पास में होती है, कोई विद्या उसके हाथ में होती है, तो जो विधर्मी है, जो हमारे देश के गद्दार हैं, वो बहुत हो हल्ला करते हैं, बहुत हल्ला मचाते हैं। अभी आप देख लिए जैसे क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियनों ने हमारे उड़ीसा के अंदर में, मैं पूरे देश की नहीं बताता, उड़ीसा की बता दूँ, बहुत बड़ा नुकसान किया है। हमारे आदिवासी अंचल, आदिवासी लोग जो होते हैं बहुत सीधे साधे भोले होते हैं, ये प्रगति पूजक होते हैं, ये पानी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, जमीन की पूजा करते हैं, फल फूल की पूजा करते हैं, इन लोग का ये है। इन लोगों ने उनको बेवकूफ बना के गाड़ी रोक दी, खड़ी कर दी, बोले धक्का मारो, गाड़ी नहीं चली, उन्होंने इंजन स्टार्ट कर दिया, गाड़ी चल दी, बोले इसका नाम लो, ये जो क्रॉस लगा दिया इसका नाम लो यीशु का, ये गाड़ी चल देगी, गाड़ी चल दी, उनको क्रिश्चियन बदल दिया। बहुत बड़ी गद्दारी, बहुत बड़ा हमारे भोले लोगों को इन्होंने किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन करोड़ों की संख्या में हमारे उड़ीसा में भोले वाले लोगों को, आदिवासी लोगों को, पिछड़े लोगों को इन्होंने क्रिश्चियन बना दिया है। और आप एक बात समझें कि कहते भाई क्रिश्चियन बन गए उससे हमारा क्या फ़र्क पड़ना है, बन जाओ, लेकिन फ़र्क पड़ना है। अगर धर्म बदला तो एक शत्रु खड़ा हो, क्रिश्चियन बनने का मतलब उसकी सोच हो जाती है कि मैं सोनिया गांधी से जुड़ जाता है, क्रिश्चियन बनने से वो पोप से जुड़ जाता है। अगर चुनाव के अंदर में नारा लगेगा तो BJP को कभी वोट नहीं देगा। कल तक जो हिंदू था, हम लोग को हिंदूवादी संगठन को वोट देता था, क्रिश्चियन बनते ही वो वोट उनको देना शुरू कर देगा। मेरे घर में भाई काम करती है, कपड़े शपड़े धोती है, तो उसको प्रसाद दिया मेरी वाइफ ने, ये प्रसाद है ले लो, बोले हम प्रसाद नहीं लेते। तो वाइफ का वार्तालाप चल रहा था, ये 100% मेरे घर का किस्सा है। तो बोले क्यों नहीं लेते हैं, कि हमारे बाइबल में किताब में लिखा हुआ है कि हिंदुओं का प्रसाद नहीं खाते हैं।
तो भाई घर का तो सारी चीज़ खाती है, हर चीज़ खाती है, कोई चीज़ बच जाती है हरे पे कहीं निगाह रहती है, मैं ले जाऊँ उसको, प्रसाद में क्या हो गया? बोले नहीं भाई, किताब में लिखा हुआ है हिंदू का प्रसाद नहीं खाना। अब बताओ कितना बड़ा बेवकूफ़ बनाते हैं वो, अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं, कहीं बाइबल में लिखा नहीं है हिंदू प्रसाद नहीं खाना, प्रसाद का कहीं जिगरा नहीं है, लेकिन भोले वालों को रविवार के दिन चर्च पे जाते हैं, उनको सिखा देते हैं कि देखो ये लिखा हुआ है, ऐसे किताब को खोल कर दिखाते हैं, देखो ये लिखा हुआ है। अब वो पढ़े लिखे उनके मालूम लिखा है तो हम मान लिए। तो इतनी बड़ी हमारे पीठ में छुरा घुसवा जा रहा है, इतनी बड़ी गद्दारी हो रही है, इतना बड़ा हम लोग को धोखा दिया जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग को जागृति लानी है। और समाज का प्रत्येक आदमी जगेगा तो समाज जगेगा, अगर हर आदमी का एक आदमी नहीं कुछ कर सकता है, समाज का सारा ही समाज को। तो मेरा मतलब आप लोग से अनुरोध यह है कि ये संस्था जो हमारी राष्ट्रीय विचार मंच जो बनी है, इसमें सिर्फ अपना यही काम है कि आप कुछ भी कीजिए, किसी संगठन से जुड़े रहिए, खूब अपना गाना बजाना कीजिए, खूब मौज मस्ती कीजिए, नाचिए कूदिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ इन संस्थाओं से भी जुड़े रहिए, जिससे आपको दिमाग पर राष्ट्र की बात, राष्ट्र में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इसकी विचारधारा विचार आपके दिमाग में आते रहें, आप सुनते रहें, डिस्कस करते रहें, तो कहीं ना कहीं आपके बदलाव आएगा, समाज में सुधार आएगा। उस सुधार की बहुत सख्त ज़रूरत है आज के दिन में। अगर आने वाले अभी आप देखो लव जिहाद है, हमारे हिंदुओं के अंदर में कहीं कोई प्लानिंग नहीं है कि किसी मुसलमान लड़की को लाओ और ला के उसको फंसा के उसको हिंदू बना के शादी करो। हमारे कहीं भी कोई नहीं, ना शास्त्र में लिखा है, ना हमारे मंदिरों में सिखाया जाता है, ना कहीं पे भी है। मुसलमानों में एक प्रोग्राम चलता है कि हिंदू लड़कियों को फंसाओ, फंसा के लाओ, मुसलमान बनाओ, मारो पीटो और हत्या कर दो उसको। इस तरह का बड़ा अत्याचार हमारे यहाँ हो रहा है, हमारी बेटियों पर हो रहा है, हम लोग आँख बंद करके बैठे हुए हैं। तो ये हम लोग को जागृति लानी पड़ेगी। कई चीज़ हैं, एक हम खुद कर सकते हैं, अगर कहीं इसका हुआ तो हमारे अंदर ताकत है, हमने उसको पकड़ लिया, मारा, जो भी पढ़ना हो केस मुकदमा लड़ना पड़े हम लड़ लेंगे। एक ये है कि हम लोग पुलिस को फ़ोन कर सकते हैं कि भाई ये सब चीज़ हो रही है ये। तीसरा, हम लोग जो कर रहे हैं उनको सख्ता करें। तो हम लोग मारवाड़ी समाज से हैं, व्यापारी समाज से हैं, हम लोग लड़ नहीं सकते। इतना तो कर सकते हैं कि जो लोग इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं, जो लोग समाज सुधार में लगे हुए हैं, उनको हम पीछे खड़े रहें, उनको तन मन धन से जो भी सहायता हो हम उनकी सहायता करते रहें। ये हम लोग को विचार अपने डेवलप करना है। मैं समझता हूँ काफ़ी देर हो गई, तो मैं हाँ, तो हमारे ये अपने को दिमाग पर लेके चलना है। तो उससे क्या होगा कि अभी हमारे, मैं समझता हूँ आज के दिन में जितना मेरी नॉलेज है, RSS बोल के संस्था है, वो अभी राष्ट्र निर्माण में बहुत जोर से लगी हुई है। उसी का परिणाम ये निकल के आया है कि आज हमारे हिंदूवादी विचारधारा बहुत जोर से डेवलप हो गई है और कई हिंदू विचार की सरकारें पूरे भारत में हैं, और यही उन्हीं का प्रोडक्ट मोदी जी है, RSS का, जो देश पर शासन कर रहा है, और देश पर नहीं पूरे संसार में शासन कर रहा है। सारे संसार के देश के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मोदी को देखते ही पता नहीं पसीना छूट जाता है, क्या हो जाता है, इतनी मोदी की शक्ति है, उसके आँखों में तेज है, उनके बल है कि वो मोदी को देखते ही सब घबरा जाते हैं, मोदी को नतमस्तक होते हैं, मोदी को मानते हैं, मोदी की विचारधारा से सहमत होते हैं। आज हमारे जो हिंदू विचारधारा है, या जो हमारा योग तप है, योग से जिस आदमी ने अपने शरीर को तपाया है, योगी बना है, उसने संसार के हर आदमी का दिल जीत लिया है, हर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों का दिल जीत लिया है, तो इसे बहुत बड़ी बात है। तो हम हिंदुओं के अंदर में हम लोग तलवार से किसी का धर्म नहीं बदलते हैं, हम लोग गला काट के धर्म नहीं बदलते हैं, हम लोग कोई तरह का प्रबोधन देकर नहीं बदलते हैं, हम गरीबों को बेला पुस्कार के हम धोखे से नहीं करते हैं, लेकिन हमारे तब बल में इतनी ताकत है कि हमारे चेहरे की शक्ति को, नूर को, ताकत को, हमारे योग बल को देख के लोग अपने आप पीछे चले आते हैं। तो ये शक्ति हमारे इस पे है, तो इस शक्ति को अपने को और बढ़ाना है, और जो लोग हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है। मैं काफ़ी लंबा समय हो गया, इसी बात के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद, आप इसी तरह जुड़े रहिए और राष्ट्रीय विचारधारा में अपने को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने जो विचार रखे बोलेंगे, आपने जो विचार रखे, आपके विचार से हम सभी सहमत हैं।
मैं क्वेश्चन आंसर के बाद में ना कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। इनके बाद में अपने क्वेश्चन आंसर लेंगे, और भी कई सारे चीज़ें हैं। पुष्पा जी भी कविता पाठ के लिए आई हैं, तो उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, वो भी कृपया आगे आ जाएँ। हाँ आप थोड़ा आगे आ जाए। सभी सभासदों को मेरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सर ने कहा भारत सोने की चिड़िया था, क्या अभी भारत सोने की चिड़िया है? जी नहीं। अभी भारत आर्थिक आज़ादी से जूझ रहा है। यदि हम सभी महिलाएं, मेरा कहने का सिर्फ महिलाओं से अनुरोध है, यदि हम सभी महिलाएं मिल जाएं, तो हम अपने देश को पुरुष तो चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं देश को आर्थिक आज़ाद रूप से आज़ाद करने का, मतलब इनकम लाने का। हमारा देश आर्थिक रूप से तभी आज़ाद होगा जब अपनी इच्छा से हर समय हम अपने पॉकेट से पैसे निकालें और उसको खर्च करके सामान खरीद सकें। हम हर जगह सेक्रीफाई करते हैं, अपने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोकते हैं, क्यों? हमारा बजट नहीं है। यही है हमारे देश की गरीबी का राज, कि हमारा देश का नागरिक गरीब है। हम अपने देश को आर्थिक रूप से आज़ाद तभी कर सकते हैं जब हमारे घर के हर महिला स्वदेशी चीज़ का व्यवहार करने लगे। हम जब कॉस्मेटिक लेने जाते हैं तो यूँ देखते हैं सबसे महंगी लिपस्टिक कौन सी है, तो यह शायद वो मेरी स्किन को सूट करेगी। जी नहीं, वो महंगी क्यों हो जाती है? कि वो विदेश से आती है इसलिए महंगी होती है। यदि हमारे देश की लिपस्टिक भी हम ये देखें इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, ये स्वदेशी है ना, ये इसका रैपर में क्या है, ये वेज है ना, नॉन वेज तो नहीं है, इस सब चीज़ को देखिए। यदि हम लोग प्रोडक्ट्स खरीदेंगे हमारे घर में, तो FMCG हो या कोई भी प्रोडक्ट्स हो, ये देख कर यदि हम लाएंगे तो हमारा जो पॉकेट से पैसा निकलता है हमारे देश को मिलेगा, और ऑब्वियसली हमारा देश नेचुरली हमारा देश आर्थिक रूप से आज़ाद होगा, और वो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट होगा अपने देश के लिए कि हम आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए अपने देश को अपना कुछ सपोर्ट योगदान दिए। ये हम उसी दिन भारत के नागरिक कहलाएंगे जिस दिन हम हर चीज़ को स्वदेशी इस्तेमाल करने लग जाएंगे और हमारा देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। धन्यवाद। आपने सही कहा कि हमें अपने देश की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आता हूँ आज के इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम क्विज के लिए। इसमें एक पर्ची है जिसमें एक सवाल लिखा हुआ है, जिनको उसका आंसर आता हो वो हाथ उठाएं, कृपया वहीं से जवाब ना दें, ताकि अगर किसी को आंसर नहीं आता हो तो फिर दूसरे से अपने पर्ची कौन उठाएगा जो नहीं अपने सभी में। हाँ घूम घूम के जी जो एक पर्ची उठाएगा जी 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 जी। मैं अनुरोध करूँगा हमारे बीच उपस्थित श्री मदन लाल जी कावटिया से, कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ये पर्ची किसने उठाई? ओपनिंग बैट्समैन। ठीक है, शायद आपको जवाब आता है कि नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ आप क्वेश्चन आंसर नहीं उठाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि कल जब तैयारी कर रहे थे तो आप भी साथ में थे, इसलिए हम आपको अभी इन्हीं पार्टिसिपेट के लास्ट में लेंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश करते हैं। भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जिनको इसका जवाब आता हो वो हाथ उठाए। संविधान दिवस, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसको हमें आज ही तो डाकू है दिनों को कहा जाए संविधान दिवस, आज ही तो इम्प्लीमेंटेशन आरंभ है। सही जवाब है नवंबर 26। भारत का संविधान नवंबर 26, 1949 को बन के रेडी हो गया था। सही जवाब है। भैया को एक गिफ्ट भी देना चाहेंगे। जोरदार तालियां होगा जो सही जवाब दिए। नेक्स्ट वहाँ पर घूम के जाने से तेरे को बेटर रहेगा।
ये एक महिला के पास आया ना, चलिए बहुत अच्छा। 1857 क्रांति जो हुई थी उसमें एक मुख्य महिला ने मैंने उस क्रांति को लीड किया था, उनका नाम बताइए। आपके अलावा किसको और कोई और महिला या कोई और बता सकते हैं? लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई, सही जवाब, एकदम सही जवाब। बात कर लें, भाषा की बात कर लें, बाहर बात कर लें, बात कर लें, बोल दस मिनट बाद बात कर लें, बाहर जाके बात कर लें, आगे आ जाइए। ये कौन किसका है ये आप? लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है उनको आप अगर नहीं बता पाएंगे तो आप बताइएगा। लाल बाल पाल किन्हें कहा जाता है? नहीं आप बताइए, कौन नहीं बता पा रहे आप बताइए। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल का एक स्कूल का सामान्य क्वेश्चन है। हम लोग जब 5-6 में पढ़ते थे उस समय हम लोग को मालूम। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, यश 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 बोल दो पापा, दस मिनट बात करते हैं पापा, आधा घंटा बात करते हैं जी। वो हाथ उठाए बताएंगे, भैया बता देंगे, बताइए। एक तो कटक में, एक मिनट, एक मिनट, मैं बता देता हूँ सही जवाब, कंफ्यूजन हो जाएगा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन बिहारी पाल। और बिपिन बिहारी पाल कटक में थे 6 साल। बात करेंगे बाद में, नहीं कर पाएंगे। यहाँ प्यारी मोहन एकेडमी जो स्कूल है उसके फाउंडर हेडमास्टर थे और कटक में थे 6 साल तक। मैं तो नहीं ले रहा हूँ। किसका है, किस ये सवाल है? अखंड भारत से रिलेटेड, अखंड भारत के रिलेटेड है जी। अखंड भारत का प्रथम स्वतंत्रता का ध्वजारोहण कहाँ किया गया था? अखंड भारत का प्रथम स्वतंत्रता का ध्वजारोहण कहाँ किस जगह पे किया गया था? अंडवाल के बाद सही जवाब। हमारे बीच उपस्थित कावटे जी का स्वागत करना चाहूँगा, नरेंद्र भाई से रिक्वेस्ट है कि उनका स्वागत करें। शहीद भगत सिंह को फांसी कौन से वर्ष दी गई थी? किसने, किनका था ये पर्ची? बताइए सही जवाब। और किसी को अगर इसका सही जवाब आता हो? आपण जानी चंदे, आपण जानी चंदे, आपण यदि और के नंबर मिले आप बोलेंगे। शहीद भगत सिंह को फांसी कौन से साल में दी गई थी? अगर 1952 में दी जाती तो शायद दी नहीं जाती। बोलो आप करीब करीब सही हो, करीब करीब सही हो, करीब करीब सही हो। और कोई नहीं तो उसको प्राइज दे। हाँ अगर और कोई नहीं बोल पाएंगे तो उसको प्राइज दे।
बच्चे ने कोशिश की, करीब करीब सही है। 23 मार्च 1930 को शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई। कटक के किस स्थान से भारतीय स्वतंत्रता का मुख्य केंद्र था? कटक का कौन सा स्थान भारतीय स्वतंत्रता का मुख्य केंद्र था? स्वाधीनता संग्राम का मुख्य केंद्र था। आप जोरदार तालियां, सही जवाब है आपका। अब एक बार क्वेश्चन आंसर को अपने विराम देंगे, एक बार कविता की ओर आते हैं। और हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय कवि फोरम की श्री पुष्पा जी, श्रीमती पुष्पा जी सिंह जी। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कृपया वो एक कविता आज के इस अवसर पर प्रस्तुत करें। साथ ही मैं उनका स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगा उषा जी लाखसरिया से, कृपया उनका स्वागत भी करें। हेलो, माँ शारदे को नमन, भारत माता को नमन और अपने माता पिता को नमन। सम्मानित मंच, आदरणीय नंद किशोर भैया, पुरुषोत्तम भैया मुख्य अतिथि जी और आदरणीय भैया और उपस्थित राष्ट्रीय कवि राष्ट्रीय विचार मंच परिवार, मैं गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई देती हूँ। बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की बधाई देती हूँ। हेलो, आवाज ठीक है? आज मेरे पापा का दिन है, पुण्यतिथि है। मन किंचित विचलित है, कृपया कोई विचार न करें। मेरे मन अपनी तरफ से बोलने की कोशिश करूंगी। आदरणीय नंदू भैया का आग्रह था, मैं टाल नहीं सकी। और ये बंधुओं, संविधान बना उससे पहले हमने आज़ादी पाई, और हमें आज़ादी कैसे मिली, किन की बदौलत मिली, उन शहीदों की मनस्थिति और उनके परिवार का क्या हाल है, उसके ऊपर मैं एक छोटी सी रचना अपनी पढ़नी चाहूँगी आपके समक्ष, आशीर्वाद चाहूँगी। जब एक सैनिक सरहद पे जाता है तो उसके घर वाले क्या सोचते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं। कहते हैं, पिता की मनोभावना, मेरे घर के उजियारे, मेरे घर के उजियारे, भारत माँ के राज दुलारे, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, धुंधले नयन तकते हैं द्वारे, कब आओगे बेटा जी, कब आओगे बेटा जी। माता की ममता, तेरे लिए मैंने लड्डू बनाए, तेरे लिए मैंने लड्डू बनाए, आवन कहकर अब हुन आए, स्तनों से बहती अमृत धारा, स्तनों से बहती अमृत धारा, सूना आंगन मोहन सुहाए, कब आओगे बेटा जी,
कब आओगे बेटा जी। छोटा भाई कहता है, भैया अब ना तुमसे लड़ूंगा, भैया अब ना तुमसे लड़ूंगा, कान पकड़ कर उठक बैठक करूंगा, गिल्ली डंडा कंचे पतंग ले लो, कांधे पर भी ना चढ़ूंगा, कब आओगे वीर जी, कब आओगे वीर जी। छोटी बहन की भावनाएं, मोती सुलमे वाली राखी बनाई, मोती सुलमे वाली राखी बनाई, आरती की सुंदर थाली सजाई, लड़के वाले देखन आवत, लड़के वाले देखन आवत, तुम बिन करू न सगाई, कब आओगे वीर जी, कब आओगे वीर जी। पत्नी की मनोभावनाएं, जब सरहद पे एक जवान होता है तो उसकी पत्नी क्या सोचती है, रुत बासंती चली शीतल पुरवाई, रुत बासंती चली शीतल पुरवाई, बाजे कंगना पायल छन छनाई, देहरी दीप जलाते निश दिन, देहरी दीप जलाते निश दिन, क्या तुमको मेरी याद न आई, कभी आओगे पिया जी, कभी आओगे पिया जी। नन्हा बेटा क्या कहता है अपने पापा के लिए, कहा था तुमने जल्दी आओगे, कहा था तुमने जल्दी आओगे, मेरे लिए बंदूक लाओगे, पढ़ लिख कर मैं भी सिपाही बनूंगा, पढ़ लिख कर मैं भी सिपाही बनूंगा, सेना में मुझको भर्ती करवाओगे, कब आओगे पापा जी, कब आओगे पापा जी। बिटिया कहती है, छोटी सी बिटिया, गुड़िया का ब्याह रचाना है, गुड़िया का ब्याह रचाना है, पारो का गुड्डा सयाना है, तुम ना जानो कितने काम अभी है, तुम ना जानो कितने काम अभी है, अब के बरस घर जल्दी आना है, कब आओगे पापा जी, कब आओगे पापा जी। उनके जो यार मित्र दोस्त, उनकी मनोभावना है, पूछे तेरा पता गांव की माटी, पूछे तेरा पता गांव की माटी, क्या हमसे भी प्यारी लगती तुमको घाटी, अब तो आ जा यारा, अब तो आ जा यारा, बहुत दिन काटे बहुत रातें काटी, कब आओगे मित्र जी, कब आओगे मित्र जी। और अंतिम आशीर्वाद चाहूँगी, क्या होता है अचानक बॉर्डर पे युद्ध छिड़ जाता है, तब धरा हुई लाल आसमान में उड़ा गुलाल, कितने ध्रुव तारे नभ में, कितने ध्रुव तारे नभ में उगे, सुने हृदय का हाल सिपाही की आत्मा, ऊपर से अपने मन की व्यथा या अपने मन की भावना कहती है बहुत कम शब्दों में इस बार, तिरंगा हाथ में लेके आया, तिरंगा हाथ में लेके आया, अब देह से लिपटा के लाया, अब देह से लिपटा के आया, मेरे बाबा तेरे बेटे ने, मेरे बाबा तेरे बेटे ने शहीदों में अपना नाम लिखाया, सुन मातृभूमि की पुकार, सुन मातृभूमि की पुकार, माँ मैंने तेरा दूध न लजाया, माँ मैंने तेरा दूध न लजाया। भाई को कहता है, नन्हे रखना गिल्ली डंडा कंचे पतंग, नन्हे रखना गिल्ली डंडा कंचे पतंग,
तू बनना बापू का साया, तू बनना बापू का साया, खुशी से डोली में बैठना मेरी बहना, खुशी से डोली में बैठना मेरी बहना, माफ़ करना जो मैंने तुम्हें रुलाया। पत्नी को कहता है, अमर सुहागन हो तुम प्रिया मेरी, अमर सुहागन हो तुम प्रिया मेरी, सितारों से तेरी बिंदिया मांग सजाया, पढ़ लिख वीर सिपाही बनना मेरे लाडले, मातृभूमि के लिए करना जीवन जाया, गुड़िया का ब्याह रचाना मेरी लाडो, गुड़िया का ब्याह रचाना मेरी लाडो, दूर देश से लौट के पापा ना आया। अंतिम पैराग्राफ, यारों कहना मेरी कहानी, यारों कहना मेरी कहानी, अपने बच्चों से सीने में गोली खाकर वंदे मातरम गाया, वंदे मातरम गाया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोरदार तालियां, बहुत सुंदर कविता के माध्यम से एक सरहद के ऊपर में सैनिक की पीड़ा और उसकी भावना आपने कविता के शब्दों में संजो के रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शादी के विवाह के शुभ अवसर पर, विवाह के इस वर्षगांठ पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं पूरे राष्ट्रीय विचार मंच परिवार की ओर से।